जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, गाइस वेलकम दी अनदर व्लॉग। मी मियां समी, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सीन तो आपको पता है कि फागविल का ऑटो शो आ रहा है, तो इसलिए जो है वो तैयारियाँ रूज पे जा रही हैं। आज फ्राइडे का दिन है और मैं जाज़बे की मार्केट में आया हूँ, क्योंकि आज का हमारा आखिरी डे है जिसपे हमने सारी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल रेडी और लश पश करनी है। तो ये है वन एंड ओनली हमारी AK-47 अभी मजा आएगा ना भिड़ो 82, जो कि पहले येलो थी, अब हमने इसको रेड में कर दिया है। ये सभी जज भाई की मेहनत है। तो आए जज भाई से मिलते हैं। जज भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? ओ आज तो वही दरबारी भी साथ आया हुआ है, कैसे हो? ठीक ठाक हो? बड़े मरूद, बड़ा खर्चा खर्चा किया क्या? नहीं सलाद खा रहे, पेट कम कर रहे जज भाई। माशाल्लाह यार, बड़ी प्यारी गाड़ी बना दी आपने। तो अभी मुझे बताएं इसके अंदर और क्या क्या लगेगा? रोल गेज होगा और स्टील के कवर लगेंगे। मतलब फुल, मतलब जो प्लान होगा है इंशाल्लाह। तो बस इंशाल्लाह आपको मैं ये रात तक जो ही कंप्लीट होगी फिर दिखाऊंगा इसकी पूरी लुक भी। हमने इसको रेड कलर डाला है और दाना इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये साथ ही हमारी खड़ी हुई येलो, और ये मौलवी खबीस जो है इसने मुंह में 5,000 का नोट लिया हुआ है। लोग पैसों के लिए तरसते हैं, इसने मुँह में लिए हुए हैं। तो गाइज जेब में आप क्यों डाल लेते हो जेब में? तो गाइज जी के साथ हमारी पीछे अकोड़ खड़ी है, अकोड़ी बिल्कुल रेडी है। तो बस इसमें पॉलिश पुलिशें होनी है, और दूसरा सीन ये है कि ग्रीन हमारी घर खड़ी है, वो भी आ जाएगी कुछ दिनों में इंशाल्लाह। कुछ दिनों में क्या, शाम तक वो भी आ जाएगी। अच्छा, तो गाइस मौलवी का कहा है मैंने यार काबले लगा दे, क्योंकि डिग्गी तो हमने सारी गाड़ियों की माशाल्लाह फ्लिप कर ली है। कोर्ट की डिग्गी भी हमारी फ्लिप हुई हुई है, और रिबॉन की भी, ग्रीन रिबॉन की और येलो रिबॉन की भी। तो इसी के साथ साथ एक हैदर भट भाई हैं, उनको मैंने लोटोरेंस में डाला है, उनसे ही मैं आपको मिलवाता हूँ। उनकी गाड़ी भी मैं आपको विजिट करवाता हूँ, उनकी गाड़ी भी आपको दिखाता हूँ। तो मौलवी भी काबले लगा रहा है, अभी मैं जाऊँगा ऑफिस क्योंकि कुछ काम है, फिर उसके बाद आके आपको कुछ देर में दिखाऊँगा कि गाड़ी की कितने सीन रह गए। और माशाल्लाह येलो जो है बहुत बम्बार लग रही है। फ्रंट कैम्बर माशाल्लाह बहुत फिट कैम्बर हुआ है यार, फिटमेंट जो है ना एंड है। बस इसकी हल्की सी लिखी जाई हुई है, वही जज भाई थोड़ी दूर कर रही है लिखी जी। तो गाइज ये है हमारे वो हैदर भट भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हैदर भाई? ठीक ठाक हैं, तबीयत से ठीक है? ये हैदर भाई के छोटे भाई हैं। सुनाए सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, तबीयत से ठीक है। सुनाए हैदर भाई, कैसा लगा फिर आपको लो टॉलरेंस में आके? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है, आवाज नहीं है, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, ये आपकी मोहब्बत है सर, जजाक अल्लाह। स्पेशली वजीराबाद से समी भाई के लिए है। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सर ये आपकी मोहब्बत है, आप कह लें मोहब्बत है, आपका बड़ा पान है, ये बहुत बड़ी मोहब्बत है आपकी। तो गाइज आए मैं साथ ही आपको जो है मतलब की गाड़ी भी दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं रिम जो है बहुत एंटीक किस्म के लगे हुए हैं, रिम बहुत प्यारे हैं इसमें। और उसके बाद मतलब कम्प्लीट गाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें अभी एयर बाकी है, वो भी मैं हैदर भाई के पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो वो भी हमने इंशाल्लाह जो है ना पीछे पड़ के हमने लगवा देनी है। तो मुझे इस गाड़ी में जो स्पेशल जो चीज़ें फिट लगी हैं ना, वो सबसे फिट इसका लगा है म्यूज़िक, और म्यूज़िक मैं आपको शाम को भी सुनाऊंगा। और आए मैं आपको इसकी फ्रंट से लुक दिखाऊं, तो बहुत फिट लुक है। तो अभी हमने यहाँ पे ज़रा पेंट के लिए लगाई है, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, तो गाइस अभी मैं अपने ऑफिस में आ गया था, तो इधर कोर्ट में ले आया था, कोर्ट खड़ी हुई है। हैदर भाई उन्होंने नाश्ता कर रहे हैं, बस अभी हम कोर्ट लेके निकलते हैं, दोबारा आगे मार्केट जाते हैं, जाके देखते हैं जज्बी ने कितना काम किया है, क्या सीन है। और आज हमने कोर्ट के भी जो है ना अगले पिछले बम्परों के रैप चेंज करने हैं, कुछ फेंडरों के पीस के रैप चेंज करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये रफ हो गई। अच्छा, तो गाइज अभी मैं मार्केट आ गया था, तो साथ ही अभी मैंने कोर्ट का रैप जो पीछे वो चेंज करवाने थे, वो इधर ये हमारा बंटू जो है ये चेंज कर रहा है, इसका इसका नाम बंटू है, इसलिए मैं बंटू कह रहा हूँ। और येलो रिबॉन जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल मेरी रेडी है, तो बस इसमें इसकी सिर्फ पॉलिश होनी है। पॉलिश वाला बंदा भी जो है वो हमारा आ गया, मेरे ख्याल में सिर्फ से लगा हुआ है, अंदर हाँ दरवाज़ा खुला हुआ है। और रेड गाड़ी की जो है 82 की माशाल्लाह ग्रेसफुल, आप चेक कर सकते हैं इसकी कलर की क्या ग्रेस है। तो इसके साथ साथ इसकी रोल गेज जो है वो भी बन रही है, रोल गेज या रोल गेज की पाइप्स देख सकते हैं। तो अभी आज ये NRT ट्यून भी इसकी सेट होनी है, आज शाम भाई को बुलाया हुआ है, ये इजाज भाई खड़ा हुआ है बड़े मुँह वाला। तो ये मैं आपको इसकी फ्रंट लुक दिखाता हूँ, वैसी लुक। तो इंजन हमारा वही है 2JZ, लेकिन ट्यून हमने जो है इसमें भी चेंज की है। तो अभी एक और गाड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये इधर जो है हैदर भाई की गाड़ी पे काम कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पेंटर साहब, इनसे मिलवाता हूँ। ओहो पेंटर नहीं ये, आप बताएं ये कहाँ से पेंटर लग रहा है आपको? इसके हालात हैं पेंटर वाले, इसका हुलिया देखे इधर सामने देखना जरा। हेलो हेलो ए सामने देख, इधर ये फंस गया सी है। तो ये इसके हालात है, अब पता नहीं काम ये कैसा करता है, लेकिन काम ठीक करेगा यार हैदर भाई, हमें टेंशन ही ले ली, काम ठीक करेगा। अरे बात सुन मेरी, काम ये मेरी बात सुन, काम अगर तूने ठीक ना किया तो तुझे इनके साथ वजीराबाद भेज देना, वो भी डिग्गी में डाल के ले जाना वजीराबाद। हाँ
और तूने आ भी जाने जितनी तेरी माशाल्लाह सेहत है ना। तो गाइस इधर 82 में जो है काम शुरू है, अंदर इसके जो है जहाज भाई ने ये चादरें लगवाई हैं, चादर की पैकिंग ऐसे लग तो खूबसूरत रही है। चादर नहीं अल्मुनियम है आपको कहा अल्मुनियम की चादर यार, अब ये क्यों कर रहे हो आप? चादर नहीं हो रहा, क्या हो गया आपको? हौसला करो, अभी चावल नहीं आए मेरे दफ्तर, चावल आते हैं तो मैं भिजवा देता हूँ, इसकी टेंशन नहीं लो। ज्यादा भूख लगी हुई है आपको? मैं देख मंगा लूंगा, एक ऑर्डर करूंगा। अच्छा तो गाइस माशाल्लाह हमारी जो है कोड का रैप जो है वो कंप्लीट हो गया था पूरा, वो सामने छोटा खड़ा है, छोटे ने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। तो अभी सिर्फ कोड की सिर्फ पॉलिशिंग और डिटेलिंग रहेगी है, तो येलो की जो है वो पॉलिश और डिटेलिंग चल रही है। ये भाई F10 से आए हैं स्पेशल माशाल्लाह। सुनाए भाई जान कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो भैया से ठीक है, मुँह तो बोलना स्टार्ट की हो गया है। ठीक हो गया सर। और आजकल की नाम है अपना? मेरा नाम अदनान। उच्चा बोलना सर। अदनान अली। अदनान अली, ते किथे आए हो? मैं नाम दा मरकज I-10-3। चल कोई नहीं यार सर, तू जरा ना कंफ्यूज हो रहे हैं, इतना मसला नहीं है यार, कंफ्यूज नहीं होना तुले। तो बस अभी जो है ना येलो की सफाई वगैरह चल रही है, तो इसी के साथ साथ जो है 82 की रोल गेजिंग स्टार्ट है। अभी तक इन्होंने जो है ना एक पाइप भी फिट नहीं किया, लेकिन छत के जो पाइप से बेंडिंग वाले वो इन्होंने बना लिए। तो गाइस अभी जो है फ्रंट हमने इसका जो है पूरा फिक्स कर दिया था, पूरे से मुराद अभी फ्रंट जाली जो है वो रह गई है, और नीचे का इधर फ्रंट जो बम्पर लगता है वो रह गया, और बाकी इंजन हमारा माशाल्लाह ओके है। और गाड़ी का अगर मैं आपको कलर दिखाऊँ तो बहुत जो है ना माशाल्लाह शाइनदार कलर है इसका, ये देखें आप, ये इसमें दाना दाना बहुत अच्छा है इसमें। और अभी तक जो है ना छत की जो है वो रोल गेज तैयार हो गई है, बाकी रोल गेज अभी तैयार हो रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज रात तक जो है ना सारी रोल गेज रेडी हो जाएगी। और सब्जी ने हमारी घर जो है वो रेडी बिल्कुल खड़ी हुई है, और अभी बस NRT वाले शाम भाई आएंगे, वो इसकी ट्यून चेक करेंगे। अच्छा तो गाइस माशाल्लाह काम जो है वो तो जारी है, अभी मगरिब का टाइम हो गया था, शाम भाई जो है वो NRT वाले आ गए थे, ये हमारे इतने बड़े शाम भाई। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, शुक्र है, ठीक है, फिट फाट है। आज थोड़ी लेट होया, मैं आज ये चीज़ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आपने खुद बोल दी है मुझे। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ शो में फिर धमाल मचाएगी? नहीं मचाएगी सब ऐसा। अच्छा चलेंगे बस इंशाल्लाह। तो ये इसी तरफ जो है 3 दिन से ना सोया हुआ इंसान खड़ा हुआ है जिसकी आजकल। अच्छा तो गाइस माशाल्लाह काम जो है फुल जो है जोरों जोर से शुरू हुआ है, रोल गेज जो है वो लग रही है, अभी कुछ जो है वो लगाई है। सबसे पहले मैं दिखाऊं तो इसकी डिग्गी में जो है ये चादर लगाई है एलुमिनियम की चादर, और इस तरफ जो है ये रोल गेज बनी है, अभी और भी इसमें लगानी है, अभी और साथ बन रही है। बाकी एक ये साइड हमने बनाई है ये चीज़, अभी कलर वगैरह करना है इसको। और दूसरा अगर छत की दिखाऊँ तो छत का ये सीन, ये छत की हमने चारों तरफ वो की है। तो इजाज़ भाई जो है अभी छुट्टी मांग रहा है कब से, लेकिन इसको छुट्टी नहीं दे रही जब तक रोल गेज कंप्लीट नहीं करेगा। अच्छा तो गाइस अकॉर्ड की जो है वो वॉशिंग वगैरह शुरू हो गई थी, सर्विस वगैरह भी, इसको पॉलिश वगैरह भी करेंगे, साथ ही रिबॉन की भी जो है वो वॉश वगैरह शुरू हो गई थी। इसी के साथ हमारे पास वन एंड ओनली येलो कैप मैन, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, किधर जा रहे हैं? सुनाए फिट फाट है? अच्छा जी, आज तो अपनी माशाल्लाह गाड़ी भी लाए हैं, अब ला रही हैं, क्या बात है माशाल्लाह। तो इसी के साथ साथ शुक्र है शाम ने जो है शाम भाई ने भी NRT शुरू कर दिया है, लैपटॉप जो है वो भी ऑन हो गया, अभी हम इसकी बैक फायर्स की जो है अभी हम सेटिंग करेंगे, और अंदर रोल गेज भी जो है वो तकरीबन ज़्यादातर लगी गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी रोल गेज है, अभी बाकी साथ साथ जो है अभी फिटिंग हो रही है, उस तरह से फिटिंग हो रही है। तो बस अभी लगे हुए हैं रात के, जस भाई रात के कितने बज गए? रात के 10:30 हो गए। तो अभी जो है देखते हैं फिर क्या सीन है, कितने बजे जाते हैं आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा जो है थक गए हैं सारे। तो गाइज अभी जो है शाम भाई ने उधर से अहमद भाई से फाइल डलवा दी है, तो अभी जो है इसकी बैक फायर मैं आपको सुनाता हूँ। अभी कह तो रहे हैं कि भारी जो है वो होगी आवाज़, अभी चेक करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। Thank you.
गाइस अभी रात के बज गए थे 12:30 और सब जो है थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो अभी जो है सब कुछ क्लोज कर रहे हैं। बस अंदर के कुछ पीस रह गए हैं जो भी रोल गेज के लगने हैं, वो कटिंग करके बना तो लिए हैं। तो बस अभी घर जाते हैं क्योंकि सुबह 7 बजे के जो है लगे हुए थे जैसी के ऊपर। तो इस बच्चे का जो है बहुत शुक्रिया, इसका नाम है मशाल, बहुत शुक्रिया यार, तुमने बड़ी मेहनत की है यार कसम से। तो बस अभी फिर जाते हैं घर, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे सुबह इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह येलो जो है वो पूरी जो है अभी वॉश वगैरह हो गई थी, क्योंकि हमने इसकी पॉलिश इसलिए नहीं की क्योंकि इसको सुबह कटिंग क्रीम और कंपाउंड करना है। ये भी जो है कोट को पॉलिश वगैरह कर दी इन्होंने, और माशाल्लाह इसकी लाइट्स कितनी जो है वो ग्रेसफुल लग रही हैं, फिट। तो बस अभी निकलते हैं घर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दी नेक्स्ट डे सैटरडे। आज सैटरडे, अभी मैं आया हूँ ऑफिस और बस अभी कुछ ही देर में आज जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि आज हमने वेन्यू पे गाड़ियाँ पार्क करने जानी है, पार्क व्हील के वेन्यू पे। तो आज सब गाड़ियाँ जो हमने 2 बजे लेके जानी है, आज हमारी बैसी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, आज बिल्कुल कंप्लीट रेडी की भी मैं आपको पिक दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास फैक्ट्री में अब्दुल्ला भाई की भी अब्दुल्ला खड़ी हुई है, जो कि रात खड़ी करके गए हैं, अभी कपड़ा उतार के मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह गाइस, ये माशाल्लाह चौधरी साहब की E170 खड़ी है। हाँ जी, E170 कहती हैं ऐसे, इनका वो लोगो भी लगा हुआ इंस्टा का, तो इनको मेंशन भी हो, मेंशन करें, फॉलो करें। और दूसरा, मेरा अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साथ साथ इसके नीचे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का क्लिक भी करें। और दूसरा, बस अभी मैं निकल रहा हूँ मार्केट, तो फिर अभी उसको मार्केट जाके मिलते हैं, फिर जाके देखते हैं कि क्या सीन है, कितनी रह गई हैं। बाकी तो रेडी हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ बैसी रह गई थी, जाके उसको कंप्लीट करते हैं। इस अभी मैं मार्केट आ गया था, तो अभी हमारी बैसी के काम के लिए जो बैसी तो हमने शिफ्ट कर दी है। ये देखें जी इसकी हिम्मत, जिसने जो है सिलेंडर भी और पूरी पाइपिंग भी और हर चीज़ जो है इसने उठाई भी है, अल्लाह ही खैर करे, सुट रहा थी। तो बस अभी जो है येलो के ऊपर जो है अभी पेंटर आ रहा है, वो इसको कटिंग क्रीम करेगा, कंपाउंड करेगा। मौलवी इसके नीचे से इंटीरियर कर रहा है, क्योंकि इसकी लीकेज जो है ना वो नहीं जा रही, कैम्बर बहुत ज़्यादा है, बार बार जो शॉप का रिंग है ना वो लीक कर जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद जाके ड्रॉप होती है, इतनी लीकेज नहीं है। फिर हमने एहतियात के लिए सब कुछ किया हुआ है। कोड हमारी माशाल्लाह बिल्कुल कम्प्लीट और रेडी खड़ी है, कोड में एक भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम रह गया। ग्रिल भी बिल्कुल रेडी है, वो वीडियो ला रहा है, और रेड का काम उधर शुरू हो गया, वो भी आपको जाके दिखाता हूँ। तो गाइस सीन कुछ ऐसे कि गाड़ियाँ जो है वो सारी माशाल्लाह आ गई हैं, बॉयज़ जो है वो सारे बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह पे लगी हुई हैं, येलो भी खड़ी हुई है उधर, E170 उधर सीवी के वो हो रहे हैं, वो सामने है, भाई गाड़ी खड़ी है, फिर ग्रीन बोन खड़ी है, फिर येलो भी जाके आपको, सॉरी लाल परी, माल है लाल है। अभी हम आ गए अपनी लाल परी के पास, तो वकास ने जो है अंदर इसके ब्लैक कलर डाल दिया, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका हमने जो है ब्लैक कलर डाल दिया पूरा फ्रेश। तो बस अभी बहुत जल्दी है, और उस तरफ जो है रोल गेज के पाइप जो हैं वो तैयार हो गए हैं, बस उनको भी एक चीज़ डालना है लाल कलर, और इस तरफ जो है बस ये टांके जो है फाइनल कर रहे हैं, ये जो है बाकी बैसी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो इसमें सिर्फ अभी हमने जो है रोल गेज लगानी है और फिर सीटें रखनी है और बिल्कुल कंप्लीट, बाकी सब गाड़ियाँ जो है बिल्कुल रेडी हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी ग्रीन बोन है, जहाँ से ये बैसी जो है रेडी हुई है, ये है आसिफ उस्ताद डेंटल, ये आसिफ उस्ताद हैं, और ये इनके शागिर्द बैठे हैं मशाल, और ये इनकी जो है शॉप है हक बाउ वर्कशॉप I-10-3। यार क्या कमाल की डेंटिंग करते हैं, और रोल गेज भी जो है वो मेरी इन्होंने ही बनाई है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, तो ये ग्रीन गाड़ी खड़ी हुई है, इस तरफ हैदर भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, ये हैदर हाँ जी हैदर भट्ट की। उसके साथ साथ देखें तो ये मेरी सामने ये शहरी भाई की है, उसके पीछे मेरी येलो रिबोन है, फिर अकोड है, अकोड के बाद अब्दुल्ला भाई की गाड़ी खड़ी है, ये सामने खड़ी हुई है होंडा रिबोन, रिबोन के पीछे ईके खड़ी हुई है, मतलब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गाइस। अभी इसी के साथ साथ जो है ये वीडियो भी आया था, और इसी के साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी मशहूर हस्ती CDF प्रूफ मसली, जिसने आज ये कितने तोले की चैन पहनी हुई है तूने, 50 तोला, शक्ल देख रहा अपनी चैन देख, बाकी है यार, ये तूने चैन डाली है कि पट्टा डाला हुआ है, तू पट्टा साबित कर रहा है, चैन नहीं है, ये पट्टा है तेरा, तेरे घर वालों ने तेरा पट्टा डाल के भेजा तुझे। कुछ ऐसा कि व्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया, तो इसी के साथ साथ जो है अभी हमने गाड़ियाँ वेन्यू पे लगानी जानी थी, तो ये बस इब्राहिम का वेट है, वो जो ही आता है इब्राहिम मजीद, तो हम फिर जाते हैं गाड़ियाँ लेके। ये मिशाल और इजाज़ भाई जो है ये 5 बजे तक ले आएंगे गाड़ी, ये वाली लाल परी, और लाल परी की जो है उधर वो रोल गेज जो है वो खास फुल जो है पेंट कर रहा है, फुल जैंगो मॉल में फुल, तो फुल मेहनत कर रही है इसके ऊपर, तो अंदर से जो है दिखाऊँ पूरा ब्लैक कर दिया, अभी अंदर इसके रोल गेज लगनी है कलर होके। तो इजाज़ भाई जो है इंशाल्लाह पूरे 5 बजे हमारे पास उसको वेन्यू में ले आएंगे। तो गाइस बस इसी के साथ भी मैं व्लॉग एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार, इंशाल्लाह आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्क व्हील के शो के व्लॉग में।